आज मैं बनाऊंगी एक गणेश जी की पेंटिंग। तो इसके लिए मैंने पहले से ही पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है। अब हम पेंट से आउटलाइन करेंगे। मैं ब्रश से कर रही हूँ पर मार्कर से भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा कलर पैलेट बहुत ज़्यादा गंदा है उस पर ध्यान देंगे। फटाफट हम आउटलाइनिंग करेंगे। लगभग हमारे दोनों कानों का आउटलाइन हो गया है। उसके बाद हम इनकी पगड़ी है वो बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गंदा भी हो गया बनाते बनाते। अब फटाफट से इसे पूरे आउटलाइन से पेंट करेंगे। उसके बाद इसमें कलर ऐड करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। हम मोदक बाद में बनाएंगे, जो भी बनाना भूल गई हूँ। येलो कलर के बाद हम इसमें रेड एंड ब्लैक कलर ऐड करेंगे। मोदक भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। मैंने इसे डॉट 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 कलर करके लगाया, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ड्राई हो जाता बाद में, फिर ब्लेंड नहीं होता अच्छे से। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे कलर ऐड कर दिए मैंने। अब फाइनल हम यहाँ पे टीका बनाएंगे। उनके हाथ में श्री लिखेंगे। ये मैंने बहुत ध्यान से किया क्योंकि ये मेन था, मतलब इससे लग रहा था कि अच्छी है पेंटिंग। यहाँ पे मैंने श्री के लिए ये दो लाइन खींची है। उसके बाद हम श्री बना देंगे यहाँ पे। और इट्स डन।